छोटे पर्दे से अब बड़े पर्दे पर छाने का मौका मिला है जय भानुशाली को। और अब हेट स्टोरी 2 के बाद जय काम कर रहे हैं बॉलीवुड की करंट सेंसेशन सनी लियोनी के साथ। और सुनिए किस तरह जय की वाइफ माही छेड़ती है उनको इस बारे में। She was the one who was more excited and जो भी कोई घर पे मेहमान आते थे तो the first thing she used to say that like you know अरे मिलिए मिलिए सनी लियोनी का next hero so you know she has this habit of like you know teasing me like this and she is more excited about you know कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ and किसके साथ नहीं कर रहा हूँ and all that so she is more excited about that। मगर काम करने से पहले ही जय को अपेरेंटली काफी गलत फहमिया थी सनी लियोनी के बारे में और वो जूम को एक्सक्लूसिवली बताते हैं किस तरह हिज होल परसेप्शन चेंज्ड फॉर सनी। मुझे जो लगा था कि ओह शिट यू नो आई एम वर्किंग विद सनी लियोनी अब वो कैसे यू नो काम करेगी आई एम श्योर यू नो देयर माइट बी लॉट ऑफ यू नो ईगो इश्यूज और लाइक यू नो मेकअप और ये सब में बहुत टाइम लगाती होगी बट आई हैव नेवर सीन अ गर्ल एक्ट्रेस एन एक्ट्रेस हु इज सो dedicated towards her work plus she works for 16 hours and next morning after sleeping for 6 hours she's again like you know excited for her work jo shayad kabhi kabhi hum bhi bahut chidchide ho jate we went for a 20 days outdoor in Rajasthan and main dekh raha tha she used to be like you know the first person to come on set and the last person to you know leave from the set and next morning usse jab wo call time bhi diya jata tha she never used to crave and she used to be all excited about it। हेट स्टोरी 2 के बाद जय भानुशाली नजर आने वाले हैं देसी कट्टे में। अपने इस रोल के बारे में जूम के बूम पर बताया जय ने। देसी कट्टे में आई एम प्लेइंग अ प्रोफेशनल शूटर सो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू नो हार्डकोर शूटिंग लाइक यू नो गन्स बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल दैट थिंग सो वो एक्सपीरियंस एकदम ही डिफरेंट था। ऑलमोस्ट आई वेंट फॉर अ वन मंथ यू नो कोचिंग फॉर शूटिंग देयर वाज अ यू नो कोच फ्रॉम दिल्ली हु इज टू कम टू इन यू नो बॉम्बे एंड ही इज टू गिव अस यू नो क्लासेस रिगार्डिंग दिस सो बहुत कुछ सीखने को मिला रिगार्डिंग शूटिंग जो हम हमेशा यू नो ओलंपिक्स में देखते थे यू नो वैसे करके शूट कर रहे और हम ऐसे ही देख के बोलते थे कि हाँ ठीक है इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये तो कोई भी कर सकता है बट यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई रियलाइज अबाउट दैट इज कि हमेशा एक अच्छा शूटर वही होता है जो दो हार्ट बीट्स के जो गैप रहते हैं उसके बीच में वो शूट करे। Well, we just hope कि आप और सनी की ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई।